सनसनी ऑफ इंडिया। शादी के परिणय सूत्र में बंधने के बाद पति पत्नी एक दूजे के हो जाते हैं और 7 जन्मों तक एक साथ रहने का वादा करते हैं। जब दोनों के बीच मनमुटाव हो जाए तो पत्नी किस हद से गुजर जाए इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। दिल्ली के कालकाजी इलाके से एक ऐसा मामला निकल कर सामने आया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रही बीए पास 32 वर्षीय स्वर्णाली घोष नामक महिला ने अपने 35 वर्षीय अनपढ़ आशिक मोहनपाल उर्फ शांतन के साथ मिलकर अपने 37 वर्षीय पति अर्जुन घोष की बेरहमी से हत्या महज इसलिए कर दी कि वो उसे छोटी छोटी बातों पर डांटता और मारता पीटता था। कालकाजी थाना पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पूर्व जिले की डीसीपी ऐशा पांडे ने बताया कि 13 मई 2022 को दोपहर लगभग 11:30 पर कालकाजी इलाके में मकान नंबर 238/8 DDA फ्लैट में बेहोश पड़े एक व्यक्ति के संबंध में थाना कालकाजी में एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी। कालकाजी पुलिस स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा, जहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बिस्तर पर उल्टा पड़ा था और उसकी गर्दन पर चाकू से वार किए गए थे। इसके बाद क्राइम और फोरेंसिक की टीम ने मौके का मुआयना किया और क्राइम सीन की तस्वीरें ली। जांच टीम ने शव को मेडिकल जांच के लिए एम्स अस्पताल में भेज दिया और पोस्टमार्टम के लिए एम्स की मोर्चरी में रखवाया गया। थाना कालकाजी में FIR संख्या 386/22 धारा 302/34 के तहत मामला दर्ज किया गया। दक्षिण पूर्व जिले की DCP ऐशा पांडे ने मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने व कातिलों को दबोचने के लिए प्रदीप कुमार ACP कालकाजी की सुपरविजन व बलबीर सिंह थाना प्रभारी कालकाजी के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सूरजपाल, SI प्रकाश चंद, रवि कुमार, रोशन लाल, मनु देव, कांस्टेबल बिजेंद्र, नरेंद्र व महिला कांस्टेबल शशि बाला की एक टीम का गठन किया। बलबीर सिंह थाना प्रभारी कालकाजी जी को जांच में पता चला कि मृतक अर्जुन घोष एक कैब ड्राइवर है और उसकी पत्नी मैक्स और PSRI अस्पताल में सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है। जांच टीम को मृतक अर्जुन घोष की पत्नी स्वर्णाली घोष ने बताया कि घटना वाले दिन वो अपने काम से सुबह सुबह 5 बजे घर से निकल गई थी, तब सब कुछ ठीक था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सूरजपाल ने मृतक की पत्नी स्वर्णाली घोष से और पूछताछ करनी चाहिए क्योंकि वो ही एक ऐसी महिला थी जिसने अपने पति अर्जुन घोष को अंतिम बार जिंदा देखा था, लेकिन मृतक की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल था। वो इस हाल में नहीं थी कि पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब दे सके। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सूरजपाल ने क्राइम सीन को बारीकी से स्कैन किया। क्राइम सीन पर किसी भी प्रकार के लूट व चोरी के निशान नहीं थे, लेकिन क्राइम सीन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को मृतक अर्जुन घोष पर बहुत गुस्सा था। मात्र अर्जुन घोष को मारने के इरादे से ही इस वारदात को अंजाम दिया गया था। क्राइम सीन पर मृतक का मोबाइल भी चार्जिंग में लगा हुआ था। इससे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सूरजपाल को समझते देर नहीं लगी कि अगर हत्या चोरी व लूट के इरादे से की गई होती तो आरोपी कमरे से कुछ न कुछ तो जरूर लेकर जाते, लेकिन क्राइम सीन पर सभी चीजें अपनी जगह पर थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सूरजपाल ने लूट व चोरी के एंगल को रूल आउट करके दूसरे एंगल पर जांच करनी शुरू कर दी। बलबीर सिंह थाना प्रभारी कालकाजी भी क्राइम सीन के आसपास का मोबाइल डंप डेटा के साथ साथ मृतक की पत्नी, दोस्तों व परिवार के सभी सदस्यों की कॉल डिटेल व लोकेशन हिस्ट्री खंगालने में लगे हुए थे। दोस्तों व परिवार की कॉल डिटेल खंगालने पर कुछ सस्पेक्ट नहीं मिला, लेकिन मृतक अर्जुन घोष की पत्नी स्वर्णाली घोष की कॉल डिटेल चौंकाने वाली थी। मृतक की पत्नी स्वर्णाली घोष की कॉल डिटेल में मोहनपाल उर्फ शांतन नामक एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर मिला, जिससे स्वर्णाली घोष घंटों घंटों बात करती थी और घटना वाले दिन भी मोहनपाल उर्फ शांतन की मोबाइल लोकेशन स्वर्णाली घोष के साथ क्राइम सीन के पास की थी। मृतक की पत्नी स्वर्णाली घोष ने घटना वाले दिन अपने दोस्त मोहनपाल उर्फ शांतन का क्राइम सीन के पास होने की बात जांच टीम से छुपाई। जांच टीम को मृतक की पत्नी पर शुरू से शक था, लेकिन इस क्लू के सामने आने के बाद शक और गहरा हो गया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सूरजपाल ने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV फुटेजों को खंगाला। CCTV फुटेज में मृतक की पत्नी स्वर्णाली घोष के साथ उसका दोस्त मोहनपाल उर्फ शांतन भी दिखाई दिया। टीम को अब समझते देर नहीं लगी कि स्वर्णाली घोष ने मोहनपाल उर्फ शांतन के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। क्लू मिलते ही मृतक की पत्नी से लंबी व कड़ी पूछताछ के बाद हत्या की गुत्थी सुलझ गई। कड़ी पूछताछ के बाद मृतक की पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मृतक की पत्नी ने खुलासा किया कि उसने अपने प्रेमी मोहनपाल उर्फ शांतन के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। टीम ने तुरंत मृतक की पत्नी के प्रेमी मोहनपाल उर्फ शांतन के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया। मोबाइल सर्विलांस से आरोपी की लोकेशन सेलेक्ट सिटी मॉल साकेत पर मिली। टीम ने लोकेशन पर छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया।
आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली छोड़कर जल्द से जल्द सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में था। आरोपी की पहचान कालकाजी निवासी 35 वर्षीय मोहन पाल उर्फ शांतन पुत्र ज्ञानेन्द्र नाथ पाल के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर क्राइम के समय पहने खून से सने कपड़े बरामद कर लिए गए। पूछताछ में दोनों आरोपितों ने बताया उन्हें गायकी का शौक है और इनकी मुलाकात 2 वर्ष पहले स्टार मेकर ऐप में शौकिया तौर पर गाना गाते हुए हुई थी। मृतक की पत्नी स्वर्णाली ने बताया कि उसका आरोपी मोहन पाल उर्फ शांतन के साथ पिछले 2 वर्षों से संबंध था। आरोपी स्वर्णाली आगे बताया कि उसका पति उसे छोटी छोटी बातों पर डांटता और पीटता था। गुस्से में आकर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने की योजना बनाई। आरोपियों ने बताया कि योजनानुसार सुबह लगभग 5 बजे स्वर्णाली घोष ने प्रेमी मोहन पाल के साथ मिलकर अपने पति की चाकू घोप घोप कर हत्या कर दी और काम के बहाने से घर से निकल गई ताकि उस पर किसी को शक न हो। अपराध करने के बाद आरोपी मोहन पाल ने अपराध के हथियार चाकू और खून से सने कपड़े को साकेत दिल्ली में एक नाले में फेंक दिया। आरोपी मृतक की 32 वर्षीय पत्नी स्वर्णाली घोष ने बीए तक पढ़ाई की है। यह मैक्स और पीएसआरआई अस्पताल में सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करती थी। इसकी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। मृतक की पत्नी का आशिक 35 वर्षीय आरोपी मोहन पाल उर्फ शांतन पुत्र ज्ञानेन्द्र नाथ कालकाजी का रहने वाला है। यह अनपढ़ है और यह भी मैक्स और पीएसआरआई अस्पताल में सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करती थी। इसकी भी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।